हेलो एवरीवन, वेलकम टू बर्निंग ड्रीम्स। इस वीडियो में बेसिकली कोई सब्जेक्ट की बात नहीं है। बेसिकली इसमें हम बात करने वाले हैं कि आज इंजीनियर्स डे है और मेरे जितने भी दोस्त हैं, कलीग है, या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उसमें मैक्सिमम 80% लोग इंजीनियर ही होंगे, ऐसा मैं बिलीव करता हूँ। कुछ लोग इंजीनियर होंगे, कम्प्लीटली इंजीनियर होंगे, कुछ लोग सेमी इंजीनियर होंगे। ओके, तो बाकी हम लोग सब इंजीनियरिंग, हमारा जो रिलीजन है वो सब इंजीनियर वाला रिलीजन है, राइट? तो हमें बात करना चाहिए। सोसाइटी में, समाज में इंजीनियर्स के लिए एक बहुत ही ब्लैक माहौल है, बहुत ही निगेटिव माहौल है कि यार इंजीनियरिंग कर रहे हैं उससे बेटर है कि तुम बीएससी कर लो, बीएससी बीए कर लो, ऐसा भी माहौल होता है। लोग कहते हैं कि लोग ऐसा पर्सपेक्टिव बनाते हैं कि अगर इंजीनियरिंग करके तुम गवर्नमेंट सेक्टर का प्रिपरेशन कर रहे हो तो इससे बेटर है कि तुम वो कर लेते, आर्ट्स रख लेते। जैसे थ्री इडियट में भी दिखाया गया था कि यार इंजीनियरिंग करने के बाद तुम बैंक में काम कर रहे हो तो फिर इंजीनियरिंग क्यों की है। इस चीज़ को भी मैं डिफेंड करना चाहता हूँ, इस चीज़ को भी मैं रोकना चाहता हूँ कि नहीं, ये गलत पर्सपेक्शन है जो आप बता रहे। इंजीनियर्स का मतलब वो नहीं होता है कि भैया मैंने इंजीनियरिंग किया तो चलो कंप्यूटर इंजीनियर हूँ तो कोडिंग करूँगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ तो चलो सर्किट डिजाइनिंग करूँगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ तो किसी पावर ग्रिड में काम करूँगा, सिविल इंजीनियर हूँ तो कंस्ट्रक्शन में काम करूँगा, मैकेनिकल इंजीनियर हो तो किसी कोर कंपनी में, पीएसयू में किसी कंपनी में मैं वो कर रहा हूँ, या ऑटोमोबाइल में काम कर रहा हूँ, ऑटो इंडस्ट्री में या मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहा हूँ। नहीं नहीं काम देखो, इंजीनियर हमारी रिलीजन है, हमारा रिलीजन है इंजीनियर के, हम इंजीनियर्स जात के हैं, लाइक। और अब तुमको मैं बात करना चाहता हूँ कि मैं इंजीनियर को कैसे देखता हूँ। मैं, मेरी अपनी एक सोच है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए। मुझे लगता है, जो मुझे मिला, कि अगर कोई मुझसे पूछता है कि इंजीनियरिंग करने के बाद तुम्हें क्या मिला, तो मैं उसको सिंपल बात कहता हूँ कि मुझे एक डिग्री मिला, सिंपल एक डिग्री मिला जो कि A4 पेपर पे है, वो डिग्री कि मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ। लेकिन इसके साथ जो बहुत कुछ हिडन मिला, बहुत कुछ हिडन मिला, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मेरा पर्सपेक्टिव। दुनिया को देखने का नज़र मेरा बदल गया, और इसका एक ही रीज़न है इंजीनियरिंग। मैं मानता हूँ कि ड्यू टू इंजीनियरिंग मैं दुनिया को अलग नज़र से अब देखता हूँ, दुनिया को थोड़ा सा एनालिटिकल वे से देखता हूँ, एनालिसिस करके देखता हूँ, कुछ भी चीज़ें पे वाई पे बात करता हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, सो पीपल्स आर डूइंग सम पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स क्यों कर रहा है, पीपल्स आर डूइंग सम रिसर्च तो रिसर्च क्यों कर रहा है, ऐसा कई सारी बातें होती हैं जिस पर हम क्यों पे बात करते हैं। ओके, उसके अलावा मुझे क्या मिला, अरे उसके अलावा मुझे काफ़ी कुछ ऐसा मिला जो मेरे अंदर एटीट्यूड में डेवलप हो गया, जो कि मेरा इनकलकेट हो गया है एटीट्यूड में, और हम सब इंजीनियर्स के अंदर इनकलकेट हो जाता है। मैं जहाँ से आता हूँ, सिंपल तुम कहोगे तो वो एक गांव से, हम सभी लगभग गांव से बिलोंग करते हैं, और गांव से निकलने के बाद अगर तुम एक सिंपल ग्रेजुएशन कर लेते और मैंने इंजीनियरिंग किया, तुमने इंजीनियरिंग कर रहे हो, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दोनों में बहुत डिफरेंस है। कॉलेज मैटर नहीं करता, तुम किस कॉलेज से पढ़ रहे हो वो मैटर ज़्यादा नहीं करता, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैटर करता है कि तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो, और उस इंजीनियरिंग को कंप्लीट करने के वक्त जो तुम्हें एफर्ट लगाए हो, जो तुम फोर्स लगाए हो, वो फोर्स तुम्हें बिल्ड करेगा। एक कविता थी, एक सॉन्ग टाइप का कविता है कि प्यार मंजिल से नहीं इन रास्तों से है। व्हाट इट मीन, इट मीन्स कि जब तुम कोई भी काम कर रहे होते हो तो उस फेज में तुम्हें एक एक्सपीरियंस मिल जाता है, तुम्हें पता नहीं चलता है कि वो एक्सपीरियंस तुम्हें इंकल्केट हो गया, लेकिन ऑटोमेटिकली वो तुम्हारे अंदर आ जाता है। बात समझ रहे हो, तुम्हारे अंदर आ जाता है कि अरे यार कुछ भी नहीं होगा ना तो कुछ कर लेंगे, अपन कर लेंगे, ऐसा वाला एटीट्यूड आ जाता है। एग्जाम का टाइम है, 3 महीना तक कुछ नहीं पढ़े, एग्जाम का 10 दिन आया, अपन कर लेंगे, ये वाला एटीट्यूड जो आता है, अपन कर लेंगे, और हम करते भी हैं, प्रोजेक्ट हैं अपन बना लेंगे ना, टेंशन नहीं लेना है ना, और वो हम लोग कर भी लेते हैं, हम ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। ओके, फिर अब बात आती है कि फिर जॉब क्यों नहीं मिलता है। बात ये भी सही है कि जॉब क्यों नहीं मिलता है, तो इसके पीछे एक रीज़न है। हमसे मार्केट बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती हैं, जॉब भी एक माइंडसेट है। अब अगर तुम उस माइंडसेट से तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें जॉब मिलेगी, तुम्हारा दिमाग में माइंडसेट क्लियर रहेगा तो तुम्हें जॉब मिलेगी। और एक बात हमेशा याद रखना कि इंजीनियर कभी बेरोजगार नहीं रहे हैं। डिग्री और जो रिपोर्ट्स होते हैं, उस रिपोर्ट्स में जितना भी कह लीजिए कि इंजीनियर बेरोजगार होते हैं, लेकिन वो बेरोजगार नहीं होते हैं, वो कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। स्टार्टअप कर लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में चले जाते हैं, कुछ बिजनेस कर लेते हैं, कुछ पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं, वो कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना कि जब इंजीनियर कुछ नहीं करता है तो वो कमाल करता है, ये फिक्स है। एक बात है, हिस्ट्री है कि जब इंजीनियर कुछ नहीं करता है तो वो कमाल करता है, लिख लेना इस बात को। तो अपने आप को हमेशा प्राउड फील करो। मैं तो कसम से कह रहा हूँ कि मैं प्राउड फील करता हूँ, मैंने अपने जिंदगी का मैक्सिमम टाइम इंजीनियरिंग को दिया है, और मैं लिटरली प्राउड फील करता हूँ कि आई एम अ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, लिटरली प्राउड फील करता हूँ। क्योंकि एक जो सेल्फ डेवलप हुआ है ना, हम सब के अंदर जो एक सेल्फ डेवलप हुआ है ना, सोचने की टेंडेंसी चेंज हुई है, किसी चीज़ को देखने का नज़रिया बदल गया है, हम चाय के दुकान को भी बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखने लगे हैं,
लोग को ये 4 साल 5 साल के इंजीनियरिंग लाइफ में इतना कुछ डेवलप हो जाना अपने में एक मायने रखता है। मान लेते हैं कि तुम एक आर्ट्स ग्रेजुएट करते, मेरे बहुत सारे दोस्त बहुत बहुत अलग अलग यूनिवर्सिटी में है, BHU में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, JNU में है, ऐसे तमाम यूनिवर्सिटी में मेरे दोस्त हैं, और जब हम उनसे बात करते हैं उनके पर्सपेक्टिव को देखते हैं तो हम दोनों के पर्सपेक्टिव में अंतर नज़र आता है। उसका पर्सपेक्टिव क्या होता है, उसका पर्सपेक्टिव जो होता है वो जो फैक्ट है फैक्ट को थोड़ा सा लॉजिक देता है, बट हम क्या करते हैं चीज़ों को पलट देते हैं। ओके अच्छा ये ऐसा उसने सोचा, इसने ऐसा सोचा, उसने ऐसा क्यों नहीं सोचा। दैट्स अ बिगेस्ट पावर इनसाइड अस कि हम बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाते हैं चीज़ों को देख के, फिर हम बहुत मस्ती करते हैं अपने इंजीनियरिंग लाइफ में, लाइफ का वो हर एक पार्ट छूते हैं, हॉस्टल का वो हर एक दिन इंजॉय करते हैं लाइफ में, कॉलेज हॉस्टल पार्टी ये सारा चीज़ करते हैं यार। और सच में इसके लिए मैं जो कहूँगा ना कि मैं जिस बैकग्राउंड से, मतलब हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं उस बैकग्राउंड में इंजीनियरिंग करके और अपने आप को आगे ले जाना एक अपने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो जो भी इंजीनियरिंग कर रहे हो वो बिल्कुल हार मत मानो कि तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो, मार्केट को देख रहे हो कि मार्केट में जॉब नहीं है, लोग इंजीनियरिंग करके बेरोजगार हैं, इन सब को देख के अगर हताश हो रहे हो तो प्लीज़ मत होना हताश, क्योंकि मैं तुम्हें कह रहा हूँ प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जॉब लेना एक पर्सपेक्टिव है, जॉब तुम्हें मिल जाएगी, सबको जॉब मिल जाएगी, बट उस माइंडसेट से तुम्हें आगे बढ़ना है कि जॉब का माइंडसेट से आगे बढ़ना है। और ये मैं तब कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि फेंक रहा हूँ, जब मैंने अप्लाई किया तभी कह रहा हूँ, मैं अप्लाई नहीं करता तो मैं तुम्हें कभी कहता ही नहीं। ओके ना, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बात करता हूँ, थ्योरेटिकल बातें मुझे ना हिट होता है, थ्योरेटिकल लोग कहते हैं कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे वो कर, ठीक है कर लोगे, प्रैक्टिकल में तुम क्या करो। जैसे जब लोग कहते हैं कि दुनिया को बदल देना है, सोसाइटी को बदल देना है, ये हो जाना चाहिए था पॉलिटिक्स में, ये हो जाना चाहिए था, तो मेरा सवाल वहां पे आ जाता है कि तू हम क्या कर रहे हैं इसके लिए। मैं कॉलेज में कई बार मेरा फाइट हुआ है, मेरे कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से फाइट हो गया है कि ये क्लब नहीं है, ये क्लब नहीं है, क्यों नहीं है, इस पर भी फाइट हुआ है। मतलब फाइट को मतलब होता है आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट करना सीखो। एक इंजीनियर जो होता है ओवरऑल मल्टी टैलेंटेड होता है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होता है। ओके हर तरफ सोचो, आर्ट्स के फील्ड के बारे में सोचो, अपनी हॉबीज पोएट्री रखो, कुछ बुक लिखेंगे, कुछ सोचो कि ये करेंगे, कुछ सोचो कि हमको सिंगर बनना है। और एक बात हमेशा याद रखना, इंजीनियर का एक टेंडेंसी होता है, वो टेंडेंसी अपने में ले आओ, जिस फील्ड में जाएंगे ना तोड़ देंगे उस फील्ड को, धमाल मचा देंगे उस फील्ड में, ये कलकेट लेके, ये अंदर में पावर लेके चलो। तो एक छोटा सा लाइन है कि जेब में अब हाथों में अपनी डिग्रियां, हाथों में अपनी डिग्रियां, और जिंदगी में कुछ ऊंचा करने का सपना लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। तो इस पे ये है ना कि मैंने इस पे ऐसे करके तुम सोचो कि अगर हाथों में अपनी डिग्रियां और कुछ अच्छा करेंगे ऐसा सपना लेकर चल रहे हो तो इंजीनियर हो तुम। सो विश यू वेरी हैप्पी इंजीनियर्स डे, बहुत अच्छे से इंजीनियरिंग करो, मजा लो इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग एक लाइफ है यार, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट नहीं है, लाइफ है यार। इंजीनियरिंग कॉलेज में रह के तुम सोशलिस्ट बन जाओगे यार, क्या प्रॉब्लम है, तुम मार्क्स को पढ़ो ना, कौन रोका है तुम्हें इंजीनियरिंग कॉलेज में। इंजीनियरिंग कॉलेज में रह के तुम स्पिरिचुअलिज्म के एक्सट्रीम लेवल को टच करो, पोएट्री के एक्सट्रीम लेवल को टच करो, आर्टिकल्स के एक्सट्रीम लेवल को टच करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसने कहा कि तुम अपने कोर सब्जेक्ट में ऐसे पलट घुसे रहो। इंजीनियरिंग एक स्किल है, बता रहा हूँ, एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, ऐसे मतलब माइंड हर तरफ जा रहा है। ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे कि देखो कभी भी एक ऐसा कभी मत बोले, इंजीनियर होकर कभी मत बोला कि ना ना मेरे से ये ना हो पाएगा, अपन ट्राई करेंगे, अपन इंजीनियर है, सिंपल कुछ भी हो जाएगा ना, अपन ट्राई करेंगे, अपन इंजीनियर है। ओके लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, कितना भी पेन आ जाए, लाइफ से कहना है कोई बात नहीं, अपन ट्राई करेंगे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का। एंड वो जो ट्राई करने का एटीट्यूड आता है ना, वो लाइफ में मजा दिला देता है। तो विश यू वेरी हैप्पी इंजीनियर्स डे। ओके वी प्राउड टू बी अ बिकम अ इंजीनियर। थैंक यू गाइस।